नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है, आज आखिरी दिन भी है और आज लखनऊ से आगरा पहुंचेंगे और साथ ही संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद में कोरोना योद्धाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। सुबह 10:40 पर आगरा पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे होटल ताज विलास आगरा में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और पार्टी के क्षेत्रीय टीम और क्षेत्रीय मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। तो इसके बाद वे इसी स्थान पर विधायकों और विधान पार्षदों के साथ भी बैठक करेंगे। तो देखिए, दो दिन के दौरे पर जेपी नड्डा बताए जा रहे थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, और उनका 2 दिवसीय यूपी का दौरा था, जिसमें कि कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने एक सम्मेलन में भाग लिया था और यहां पर सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ खुर्रम निजामी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो आज दूसरा और आखिरी दिन यूपी में बताया जा रहा है, आज क्या क्या अहम रहने वाला है, उनका पूरे दिन का कार्यक्रम कैसा रहेगा? देखिए, कार्यक्रम तो कमोबेश आपने बता ही दिया है, लेकिन उसके माने क्या ये समझना जरूरी है। अब आगरा जो है ब्रिज क्षेत्र में पड़ता है, ताज नगरी पहुंचेंगे जेपी नड्डा, साथ में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ में रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। अब इन तीनों का पहुंचने का मतलब साफ है कि संगठन पर पैनी निकाह है। जब जेपी नड्डा कल यहाँ पर थे, लखनऊ में थे, तो उन्होंने सारे विधायकों का रिपोर्ट कार्ड उनके पास था, कार्यकर्ताओं के साथ बात की, कोरोना वॉरियर साथ वो बात करेंगे, वहाँ आगरा में जाकर के जो वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे और ब्रिज क्षेत्र के जो विधायक उनके साथ बात करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि रीजन वाइज जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की वो शुरू हो गई है। अवध कल था, आज ब्रिज की बारी है। तो जब इन दो क्षेत्रों को निपटाने के बाद वो पूर्वांचल भी जाएंगे, पश्चिमांचल भी जाएंगे और जहाँ बिहारी प्रदेश भी जाएंगे, तमाम जगह देखेंगे। तो बात है कि चुनावी अखाड़े में जब आपको उतरना है तो आपको अपनी ताकत का एहसास तो होना चाहिए, लेकिन कमजोरी की जानकारी भी होनी चाहिए। तो कमजोरी का क्या है, क्या क्या कमियां हैं, इसका पता लगाया जा रहा है और एक लंबे अरसे से पता लगाया जा रहा है। कमजोरियां पता चल चुकी हैं, कमियां पता चल चुकी हैं, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, अब इस पर मंथन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में और इसीलिए जेपी नड्डा यहां मौजूद। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी में आज बीजेपी अपना किस तरीके से प्रचार करेंगे, देखिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सबसे पहले तो बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके बाद 3 बजे होटल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ताजनगरी आगरा में रहने वाले हैं, इसी होटल में वो बैठक करेंगे। बैठक को लेकर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बैठक उसको माना जा रहा है। देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन इस होटल में किया जा रहा है, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक इसको माना जा रहा है, ब्रज क्षेत्र की पूरी ये बैठक है, जीत का मंत्र यहाँ दिया जाएगा, कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की जाएगी 2022 में कैसे भाजपा जो 350 का लक्ष्य रखा गया वो कैसे पूरा करेगी। संजय सिंह, इंडिया न्यूज आगरा। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनावी बुगल आज आगरा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इसी होटल में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, ब्रज क्षेत्र की ये पूरी बैठक होनी है, यहाँ कहीं ना कहीं जीत का मंत्र दिया जाएगा। जिस प्रकार से 2022 में चुनावी रण शुरू हो चुका है, बिगुल फूक चुका है, तो सभी पार्टियां लगातार अपनी तैयारियों में जुट गई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा दोबारा से सत्ता में आने के लिए जीत का मंत्र यहाँ दिया जाएगा। ब्रज क्षेत्र की पूरी ये बैठक रहेगी और महत्वपूर्ण बैठक इसको माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि 2022 के चुनाव भी नजदीक हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज आगरा। जेपी नड्डा का दूसरे दिन का दौरा उत्तर प्रदेश में और आगरा में संगठनात्मक बैठकों में शामिल होंगे और इस पर अधिक जानकारी के साथ संजय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, संवाददाता। संजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आज दूसरे दिन का दौरा आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बताया जा रहा है, तो ऐसे में क्या वो मुख्य तौर पर बातें रहेंगी जिसको आज वो इस संगठनात्मक बैठक में सबके साथ चर्चा कर सकते हैं, इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है, क्या वो मुख्य एजेंडा रहेगा? सुभी, आपको बता दूं, जिस प्रकार से चुनावी बिगुल फूक चुका है, तो जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में है, तो पहले लखनऊ किया और उसके बाद अब आगरा, आज इनकी बैठक है। कहने के ब्रज क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है भाजपा के लिए,
मेरठ क्षेत्र कहें तो आगरा, तो आगरा में 9 के 9 विधायक भाजपा के, दोनों सांसद भाजपा के, तो एक मजबूत स्थिति में भाजपा यहाँ है। तो यही क्षेत्र की जो बैठक है इस होटल में की जानी है। पहले लगभग 11 बजे यहाँ जेपी नड्डा पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ उसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह रहेंगे। आप देख सकते हैं चेकिंग लगातार चल रही है यहाँ। विशेष तौर पर इस बैठक को माना जा रहा है कहीं ना कहीं जीत का मत इस बैठक में दिया जाएगा कि 2022 को कैसे फतेह किया जाएगा, कैसे विजय किया जाएगा, दोबारा सत्ता में वापसी कैसे हुई। तो कहने के महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। पहले जो ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारी उनसे बैठक होगी, उसके बाद कहने के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी, उसके बाद एसएनजे गोल्ड में कार्यक्रम रखा गया है, जो कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स हैं उनका सम्मान भी यहाँ जेपी नड्डा करेंगे। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है और जिस होटल में वो ठहरेंगे वहां पर किस तरीके की व्यवस्था उनके लिए की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया, आपको दिखाता हूँ कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पुख्ता कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस पॉइंट है, इस एंट्रेंस पॉइंट पर हर जाने वाले आने वाले के व्यक्ति की चेकिंग फिक्सिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, आपको अंदर लेके चलते हैं। जिस प्रकार से जो पूरा होटल है उस पूरे होटल में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया, लगातार अधिकारी यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं और जो भी आ रहा है या जा रहा है उसको पहले चेकिंग फिक्सिंग की जा रही है। पार्टी के नेता भी यहाँ लगातार व्यवस्था में लगे हुए हैं, तो लगातार यहाँ जो चेकिंग फिक्सिंग है उसको तय किया जा रहा है। आपको दिखाऊं कि जिस प्रकार होटल के एंट्रेंस पॉइंट पर जो दो कटआउट लगाए गए हैं, कटआउट देख सकते हैं कि यहाँ दो कटआउट लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट है और जो पार्टी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनका कटआउट है। उधर देख सकते हैं कि दो कटआउट उधर भी लगाए हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष दो कटआउट यहाँ लगाए हुए हैं। तो कहने की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया जा रहा है, जो चेकिंग फिक्सिंग है वो लगातार चल रही है। सुरभि, ठीक है, एक और चीज जरा हम आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही उनके कार्यक्रमों का जिक्र भी यहाँ पर आपने किया, लेकिन देखिए जो जिस तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बिल्कुल फूंक दिया गया है, तमाम विपक्षी पार्टियां भी उसी तरीके से दहाड़ लगाती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि संगठनात्मक बैठक के बाद से जो तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी इसके बाद से हुंकार भरती हुई नजर बीजेपी एक बार फिर से आएगी, क्योंकि इस बार चुनौती थोड़ी सी ज्यादा हो रही है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के उनके खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं चुनौती इस बार बीजेपी के लिए ज्यादा है, इसलिए जीत का मंत्र देने के लिए लगातार ये बैठक की जा रही है। ब्रेक की बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इससे पहले लखनऊ में जो बैठक थी वो महत्वपूर्ण थी, उसके बाद सीधे ब्रत क्षेत्र में यहाँ बैठक की जा रही है। तो एक बड़ी बैठक इसको माना जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जीत का मंत्र यहाँ दिया जाएगा, किस प्रकार से चुनाव में जाना है, प्लानिंग करनी है, क्या क्या चीजें तय होनी है, उन सारी चीजों को लेकर यहाँ मंत्रणा की जाएगी, चर्चा यहाँ की जाएगी। संजय, लेकिन देखिए जिस तरीके से यहाँ हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश में जहाँ तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के एक मंच पर किस तरीके से बीजेपी पर हमलावर हो रही है, बीजेपी को किस तरीके से उनकी खामियां गिराने की कोशिश की जा रही है, इससे पहले जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की खामियां गिना गई थी, तो यहाँ पर क्या लगता है कि इस बार जब बीजेपी की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष खुद उत्तर प्रदेश चले आए हैं, तमाम अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बैठकों का दौर आयोजित कर रहे हैं, तो क्या कुछ बड़ा फेरबदल इस बीच में हो सकता है, ऐसा कुछ अनुमान देखने को मिल रहा है? कहने के फेरबदल की जो दौर है वो लगातार चल रहा है, जो पार्टी के पदाधिकारी उनमें चेंजअप किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर हमलावर हो रही हैं सरकार के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उसी रणनीति के तहत ये बैठक की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं लगातार इन बैठकों को ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक इनको माना जा रहा है। जिस प्रकार से 2022 में विजय पताका कैसे फहराएगी दोबारा से बीजेपी, उसको लेकर मंत्र तैयार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं 15 अगस्त के बाद जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, जनता के बीच जाने वाले हैं, जनता के बीच जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको बताएंगे। ठीक है संजय, लेकिन जिस तरीके का एक हथकंडा हर बार हमने देखा है कि कैसे यहाँ पर बीजेपी कोशिश ये करती है कि एक समीकरण साधने की कोशिश करती है और पहले से उनकी प्लानिंग होती है कि किस वोट बैंक पर इस बार सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ऐसे में क्या इस बार भी केवल ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो तमाम और जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं दलितों की तरफ भी ध्यान दे रही है, कहीं ना कहीं वो ये कोशिश कर रही है कि युवा वर्ग जो है गांव को अपनी तरफ खींचे, तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए ये वाकई चुनौतीपूर्ण वाला एक समय माना जा सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक पार्टी जब इस पर फोकस कर रही है कि युवाओं को साधना है या किसे साधना है।
कहेंगे जिस प्रकार से ब्राह्मण नाराज, अभी बताया जा रहा है कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज है, उसको साधने की लगातार कोशिश की जा रही है। राज्य मंत्री का दर्जा भी जो आगरा में हरदौर दुबे हैं, पुराने नेता हैं, उनके और चले उनको लाया जा रहा है, जिस प्रकार की रणनीति है काम भाजपा सरकार ने किया, उन सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति से काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं विपक्षों को परास्त करने के लिए लगातार रणनीति तैयार की जा रही है। इसी नाते जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा आगरा पहुंच रहे हैं, ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, उनसे महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। ये बैठक भी गोपनीय रहने वाली, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मीडिया को दी जाएगी तो सेकंड कार जरूर मीडिया को मिलेगी। ठीक है, तो सर कह सकते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से कोशिश रहेगी कि जो भी काम अभी तक, यानी कि जो 7 सालों के टाइम पीरियड में जो भी काम बीजेपी की तरफ से किया गया है, उन कामों को कोशिश ये की जाएगी कि इस संगठनात्मक बैठक में सबसे पहले तो इस पर विचार विमर्श किया जाए कि किस तरीके से जनता के सामने रखना है, कैसे पहुंचाना है, जनता को ये कैसे भरोसा दिलाना है कि बीजेपी की सरकार जब से सत्ता में आई तब से कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, इसका एक लेखा जोखा पूरा तैयार किया जाएगा और उस डेटा को जनता के सामने रखा जाएगा। और इसी पर क्या वोट बैंक साधने की कोशिश इस पर बीजेपी कर रही है? अब बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार सरकार ने जो काम किए हैं उनका लेखा जोखा पूरा खाका तैयार करने के बाद उस खाके को जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको सीधे तौर पर मीटिंग उसमें की जाएगी और कैसे उनको जनता के बीच में जाना है, क्या क्या उन्हें बताना है, क्या क्या उपलब्धियां गिनानी है, वो सारी प्लानिंग तय होनी है। इसीलिए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कहीं ना कहीं लखनऊ के बाद सीधे आगरा ब्रज क्षेत्र में यह बैठक की जा रही है। बड़ी बैठक ये है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में रहने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम यानी दिनेश शर्मा और केशव मौर्य भी इस बैठक में रहने वाले, सुनील बंसल का भी बताया जा रहा है कि जो संगठन मंत्री हैं प्रदेश के वो इसमें रहने वाले हैं। वैसे संजय, एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए क्या ये कहा जा सकता है कि देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश हमेशा से बीजेपी की रहती है, नाराज फिलहाल कुछ ब्राह्मण अभी चल रहे हैं, उनको मनाने की कवायद भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन एक जो मास्टर स्ट्रोक के तौर पर अगर कहा जाए तो राम मंदिर निर्माण का मुद्दा क्या इस बार फिर से इन चुनावों में देखने को मिल सकता है? कि क्योंकि बीजेपी की सरकार जब सत्ता में आई तो उसके बाद से राम मंदिर का जो पूरा मसला था वो सुलझ गया, अब उसका निर्माण भी शुरू हो रहा है, तो क्या एक बार फिर से इस मुद्दे को जनता के सामने रखा जा सकता है और उस आधार पर वोट बैंक इकट्ठा किया जा सकता है? कहीं ना कहीं उपलब्धि के तौर पर माना जा सकता है, जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया तो एक उपलब्धि के तौर पर सरकार इसको पेश कर सकती है जनता के सामने कि राम मंदिर का जो मुद्दा था वो सुलझ गया, अब राम मंदिर बनना शुरू हो गया है। तो राम मंदिर मुद्दा है, धारा 370 है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र और प्रदेश सरकार ने तय किए हैं, उन मुद्दों को जनता के बीच में रखा जाएगा और जनता से एक बार फिर अपील की जाएगी कि दोबारा से भाजपा की सरकार बनाए। ठीक संजय, वही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जेपी नड्डा के साथ में, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ तो रहेंगे ही, लेकिन यहाँ और कौन कौन से दिग्गज नेता उनके साथ में इस होटल में ठहरेंगे या फिर कौन कौन से वो प्रमुख चेहरे होंगे जिनकी जगह हर बैठक में पक्की बताई जा रही है? आपको बता दूं, जिस प्रकार से यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो रहेंगे ही, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह इसमें, दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव मौर्य इसमें रहने वाले हैं, संगठन मंत्री सुनील बंसल इसमें रहने वाले हैं, जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री है वो इसमें रहने वाले हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष इसमें रहने वाले हैं, जनप्रतिनिधि इसमें रहने वाले हैं, तो कई बैठक है, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है ब्रज क्षेत्र के लिए। ठीक है, वही ये जो पूरा कार्यक्रम आपने बताया कि आज आगरा में पूरे दिन रहेंगे, यहाँ पर संगठनात्मक बैठक होंगी और वही हमने बीते शतक से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो क्या इस बार कोरोना काल जिस तरीके से चला और कोरोना महामारी की वजह से पार्टियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जनता में खासा नाराजगी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से रैलियां निकाली गई या जो एक माहौल तैयार किया गया, तो ऐसे में क्या लगता है कि कोरोना का मुद्दा भी अहम रहने वाला है जिस तरीके से इस बार की सरकार ने काम किया है महामारी को दूर करने के लिए? अब बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार से कोरोना काल रहा, उस कोरोना काल में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, सरकार ने क्या क्या काम किए वो भी सरकार जनता के बीच लेके जाएगी, कोरोना काल में किस प्रकार से चीजें तय की गई, इसीलिए आज जो कोरोना वायरस डॉक्टर्स हैं उनका सम्मान यहाँ किया जाना है और जैसे जो गोल्ड में विशेष कार्यक्रम इसके लिए रखा गया है, जो पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, तो विशेष तौर पर वो उनका सम्मान करने के लिए भी यहाँ पहुंच रहे हैं, तो जो पदाधिकारियों की बैठक है उसके बाद सीधे SNJ गोल्ड पहुंचेंगे जहाँ डॉक्टर हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान किया जाएगा।
और बूथ की मजबूती को लेकर के क्या कुछ अहम फैसले लिए जा रहे, क्योंकि हर बार हमें यही देखने मिलता है कि बूथ को लेकर के हमेशा से गुस्से का माहौल कहीं बन जाता है, कहीं हिंसात्मक प्रदर्शन भी देखने को मिल जाते हैं कई बार को, तो ऐसे में इस बार किस तरीके की तैयारी पार्टी अपने स्तर पर करेगी? अब बूथ को लेकर कहने के मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, लगातार बूथ से लेकर जो आगे तक की चीजें हैं वो सब मजबूत हो जाए और किस प्रकार से जनता के बीच जाना है ये तय करना ही इस मीटिंग का उद्देश्य है। किस प्रकार से जनता के बीच जो भाजपा के नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो पहुंचे और जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो गिनाए, इसको लेकर यह बैठक की जा रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो बैठक में शामिल होने वाले नेता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, लगातार उनकी चेकिंग फिक्सिंग करने के बाद उनको अंदर एंट्री किया जा रहा है, लगातार जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, लगातार चेकिंग की जा रही है, जो पदाधिकारी हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस ब्रज क्षेत्र की बैठक को कहीं ना कहीं जो चुनावी रण है उसको लेकर भी देखा जा रहा है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद संजय आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और